जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय और प्रशासन के लोगों ने पूर्व में भी तैयारियां कर ली थी। बकरीद की नमाज जिले के 95 मस्जिदों ईदगाहों में अदा की गई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर देश और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। आपको बता दें कि जिले में हर इबादत गाहों में नमाज का अलग अलग वक्त मुकर्रर किया जाता है। चूंकि नमाज के बाद ही कुर्बानी होती है, ऐसे में ज्यादातर मस्जिदों में सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का वक्त रखा गया था, जहां अकीकत मंदों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की और देश मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं प्रशासन ने ईद उल अजहा की नमाज अदा को लेकर डीएम हर्षिता माथुर और एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मस्जिद और ईदगाह पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं प्रशासन ने मस्जिदों के आसपास ड्रोन कैमरों से नजर रखी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो, उससे पूर्व ही उससे निपटा जा सके। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया है कि आज जनपद में 95 ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्व में भी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मेयर और एसएसपी की मौजूदगी में नई ईदगाह और पुरानी ईदगाह पर नमाज अदा की गई। आज जो त्यौहार है जनपद में, उसके संबंध में पहले भी बैठकें आदि कर ली गई थी और सारे जो निर्देश शासन से प्राप्त हैं वो संबंधित सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण को बता दिए गए हैं। साथ ही आज मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनपद की जो महत्वपूर्ण जगह है, नई ईदगाह, पुरानी ईदगाह और हमारा जामा मस्जिद का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोगों ने भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।